हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम कॉम्पिटिशन गुरु। तो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है, लिखा हुआ बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं पीछे, हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में। बच्चों की मुझे काफ़ी कॉल्स भी आती है, सर हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बड़ा प्रॉब्लम देता है, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक और सुपर ट्रिक यूज़ करते हुए। तो आइए देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या। बेटा सबसे पहले तो हाइब्रिड का बेसिक मीनिंग क्या है, सभी को पता, हाइब्रिड का मतलब होता है एक बेटर क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना। जैसे सीड्स लेते हैं बायो में, भी सीड्स हाइब्रिडाइजेशन करके नया सीड तैयार करते हैं, बट केमिस्ट्री में बेटा सीड्स तो हम तैयार करने नहीं वाले। केमिस्ट्री में क्या है, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हमारे पास देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल बेटा, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, और आपको पता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होते हैं, एस पी डी एफ। ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमने इसको अरेंज किया है। अब हमारे पास एस का ऐसे तो है नहीं भी एस ऑर्बिटल डायरेक्टली डी ऑर्बिटल से जाके कंबाइन कर जाएगा, नहीं करेगा कंबाइन। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनमें बेटा दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ना ही ये S डायरेक्टली F से करने वाला कंबाइन, क्योंकि इनमें भी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, बेसिकली S पहले P से कंबाइन करेगा, P बाद में फिर D से करेगा, राइट, इस टाइप से इनका कॉम्बिनेशन होगा। मींस अगर टू एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करना है तो उनके बीच में एनर्जी का बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दे मस्ट बी स्लाइटली डिफर इन एनर्जी, राइट। तो उनके बीच में एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो बोलते हैं स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो हमारे पास कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इसको आप ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो कंफर्टेबल रहे बोल सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। सेकंड, जब वो कंबाइन करते हैं उनमें एनर्जी का बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन दोबारा से उनमें एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक की एनर्जी बहुत ज्यादा है, सेकंड की एनर्जी कम है, तो जब वो कंबाइन करेंगे उनकी एनर्जी एक जैसी हो जाएगी, ज्यादा वाला अपनी एनर्जी कम वाले को ट्रांसफर करेगा और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट मींस एक जैसी हो जाएगी, इक्विवेलेंट एक जैसी हो जाएगी, और तब उसको बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमिनों का नाम देंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम देंगे बेटा इसको, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने चार पॉइंट यूज किए इसमें, पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनमें एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस बच्चे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा भाई उनमें एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है और एक नया ऑर्बिटल प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि एक स्टेबल एयर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और स्टेबल होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, सबको पता है केमिस्ट्री में, राइट। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और प्रोसेस को हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन। ये तो था इसकी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब जैसे एस, हमारे पास एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सिमिलरली डी के आपको पता है डी ऑर्बिटल फाइव होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास डी के पांच ऑर्बिटल होते हैं, दीज आर डी ऑर्बिटल्स। अब आपके पास एस करेगा कंबाइन पी से, एस पी बन सकता है बेटा, एस पी टू बन सकता है, नेक्स्ट पी से कंबाइन करेगा, नेक्स्ट से करेगा तो एस पी थ्री बन जाएगा या एस पी थ्री डी बन जाएगा बेटा, अगर पी डी से कंबाइन कर रहा है तो एस पी थ्री डी, या एस पी थ्री डी टू बन सकता है या बेटा एस पी थ्री डी थ्री भी बन सकता है। तो इस टाइप से हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और हाइब्रिडाइजेशन होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चे पॉइंट ये। तो अब हम आएंगे ट्रिक्स पे, ट्रिक्स करेंगे कि कैसे उनको हम हाइब्रिडाइजेशन बेटा हम कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए ध्यान से,
हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन से। चलिए अब एक तो आपको ये बता दूं मैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बच्चे वी हैव टू नो कि जो सेंट्रल एलिमेंट हमारा है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, देखिए इसको आप ऐसे कह सकते हैं हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप या हेलिना की रब से फरियाद, इन सभी के वैलेंस सेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। आगे आपका आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बाप रोए, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेटा ऐसे ऐसे डिमांड करेगा तो बाप को तो परेशान होना लाजमी है बेटा, ठीक है, दिक्कत आएगी। स्कूटर भी मांग रहा है, कार भी मांग रहा है महंगाई के जमाने में, ठीक है, ऊपर से कन्या सुंदर भी चाहिए उसको भाई, तो दिक्कत है। तो इन सभी के वैलेंस सेल में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे, टू, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, और ये एलिमेंट कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेटा इन सभी के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टू, याद रखने का मेथड मैंने बता दिया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता 13 ग्रुप, बाबू अली गए इंडिया थाईलैंड, बाबू अली गए इंडिया थाईलैंड, इन सभी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थ्री होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। फिर हमारे पास आता 14 ग्रुप, इसमें होता कार्तिक, शिव, गणेश, संघ, पार्वती, पूरा फैमिली पैकेज है भाई, देख सकते हो कार्तिक भी है, शिव भी है, शिव महाराज हमारे, तो यहाँ पे गणेश जी भी हैं, एस एन संघ पी बी पार्वती, तो आज शिवरात्रि भी है, तो हमारे पास क्या है, कार्तिक, शिव, गणेश, संघ, पार्वती, पूरा फैमिली पैकेज है। और इन सभी की बेटा वैलेंसी होती है 4, आंख बंद करके इन सभी के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आप लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 15 ग्रुप, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, बीमार क्योंकि भाई कोरोना चल रहा है आजकल, तो कहीं ना कहीं बीमारी फैली हुई है, इंडियंस हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, बीमारी कम है, तो यहाँ पे बीमारियां ज्यादा है, सभी के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 5, राइट। फिर आता हमारे पास ओ स्टाइल से टीपीओ, पीते हो ना स्टाइल से, घर में स्टाइल मार के चाय पीते हो एकदम, मम्मी लेके आती है गर्मा गर्म चाय, स्टाइल मार के, कोई कॉफी पी रहा होता कोई चाय, तो मैं चाय पीता हूं तो इसलिए मैं चाय पे बना लिया, तो ओ स्टाइल से टीपीओ या ओ स्टाइल से टेपो, हम टेप लेते हैं दूसरे का देख के, कहते हैं टेप लिया हमने, तो ऐसे इनकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6। फिर आता 17 ग्रुप, इसको बोलेंगे फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, देखिए ध्यान से, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन, एटॉमिक नंबर बताना चाहो तो लिख सकते हो क्या इनके, 9, 17, 35, 53 and 85, बट इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, ट्रिक्स आपको ऐसी दे रहा हूं मैं, आप डायरेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है 18 ग्रुप, हीना, नीना और करीना जीरो रन पर, हीना, नीना और करीना जीरो रन पर, बेटा इस हीलियम को छोड़ के सभी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए होते हैं। तो ये था हमारे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने का मेथड, राइट। अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन करने जाएंगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होंगे, किसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाएगी, वैसे तो बेटा इसके 5 या 6 मेथड हैं, अलग अलग मेथड आपको मैं बता सकता हूं, बट हमें 5-6 मेथड पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 अच्छे मेथड मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए PCl5 है, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5, इसकी बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, राइट। तो फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, मैंने अभी भी बताया, नेपाल, पाकिस्तान, तो फास्फोरस कहां रहा, पी 15 ग्रुप में, तो इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इनटू 5, क्योंकि 5 क्लोरीन है तो इसका सम हो जाएगा बेटा 40, क्या सम हो गया 40। अगर ये सम कभी भी 8 से ग्रेटर आ जाए, 8 से ग्रेटर, तो उसको डिवाइड कर देना बेटा, 8 से ही डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आएगा 8 5 40 और रिमाइंडर क्या आ रहा, 0। तो ये जो ये पहले लिखा जाता है ये होते हैं हमेशा बॉन्ड पेयर, और जो मैंने बाद में लिखा ये है बेटा लोन पेयर,
क्या है ये? लोन पेयर। ये बॉन्ड पेयर बच्चे, और ये वाला क्या है? लोन पेयर। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 5+0, 5, इसको बोलते हैं स्टीरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरिक फैक्टर। ये स्टीरिक फैक्टर 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो एस 3 यहां पे पी ऑर्बिटल होते हैं और एक डी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp3d। तो देखिए कितना इजी है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बेटा आपने कैलकुलेट कर दी। क्लियर पॉइंट ये? सेकंड मेथड, एक मेथड तो हमारे पास ये था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। पहले फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने? 5। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 है, इनटू 5 करेंगे, सम हो गया 40। अगर बेटा ये सम 8 से ग्रेटर होता है, ये सम 8 से ग्रेटर होता तो उसको किससे डिवाइड कर देना? 8 से। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? बॉन्ड पेयर और ये आएंगे लोन पेयर। स्टीरिक फैक्टर दोनों को ऐड करेंगे, 5 आया। ये हमें बताएगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, सर अगर ये सम 8 से लेस देन आ गया, 8 से लेस देन अगर आ गया सम, 8 से लेस देन, तो बेटा डिवाइड कर देना 2 से। किससे डिवाइड कर देना? 2 से। सेम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास है XeF6 जीनोन हेक्साफ्लोराइड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था जीनोन, जीनोन कहां आया था? देखिए आपको एक मिनट में याद आएगा, हीना नीना और करीना, और करीना, करीना जीरो रन पर, जीरो XE यहां पे लाई कर रहा है जीनोन, हीना नीना और करीना जीरो रन पर। तो जीनोन यहां पे है और इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने? 8। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 है। प्लस फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फिर कल बाहर आई आंटी। मैंने आपका बताया था बेटा, यहां पे देखिए फ्लोरीन आ रहा है, तो इसकी वैलेंस सेल में क्या बताए थे? सभी के वैलेंस सेल में क्या आएंगे? 7। तो 7 इंटू कितने हैं ये? 6। टोटल कितना हुआ? 40। 7, 6, 42 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? आएगा 50। कितना आ गया बेटा? सम 50। और अगर सम 8 से ग्रेटर है तो किससे डिवाइड करेंगे? आगे बंद करके 8 से डिवाइड करेंगे, 8, 6, 48। रिमाइंडर कितना रहा? रिमाइंडर रहा 2। और अब ये 2 8 से कम है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 8 से कम है, तो किससे डिवाइड करना है? 2 से, 2/2, 1। तो ये हमेशा बॉन्ड पेयर और ये बनेंगे लोन पेयर। और टोटल कितना सम इनका? 7। तो 7 है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, 3, 3, 6 और 1, 7 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आप डायरेक्टली बेटा निकाल देंगे, टाइम आपको नहीं निकलने वाला, बहुत जल्दी निकाल देंगे, और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप देखते ही निकाल देंगे। इसका एक मेथड और देख लीजिए आप, इसका हमारे पास एक मेथड और है, वो मेथड देखिए। जीनोन के वैलेंस सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, राइट? कितने फ्लोरीन थे? XeF6 6 फ्लोरीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोरीन। तो 6 तो हो गए बॉन्ड पेयर, अब देख रहे हैं 6 तो बॉन्ड पेयर बन गए, 6 बॉन्ड पेयर। ये एक पेयर, पेयर मींस दो, दो मिलके एक पेयर बनाते हैं, एक रह गया आपका अकेला, ये रह गया एक लोन पेयर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये? एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन इस पे। देखिए हमारे पास है XeOF4 पहला मेथड। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मैं कंसेप्ट बता चुका हूं। जीनोन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 × 4। तो क्या हुआ? 8+6+28। तो इनका सम करेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा इसका सम? आपका सम आएगा 42। सम क्या बनेगा? 42 डिवाइड बाय 8। 8, 5 = 40। रिमाइंडर 2 रहा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? टोटल 5+1, 6 sp3d2 hybridization। तो या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए जीनोन के वैलेंस सेल में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्लोरीन कितने हैं? 4 फ्लोरीन है, 4 बॉन्ड पेयर ये बन गए, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन,
एंड फ्लोरीन। टू क्या रह गए हमारे पास, टू रह गए बेटा हमारे पास लोन पेयर, वो किसी से कंबाइन नहीं कर रहे, अकेले हैं बेचारे, लोन पेयर है, ठीक है। तो चार बॉन्ड पेयर और दो हमारे पास क्या बने, यहां पे ऑक्सीजन भी है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। हमारे पास चार क्या बेटा, 1 2 3 4, चार फ्लोरीन है, चार फ्लोरीन लिया हमने, एक ऑक्सीजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है बेटा, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये काउंट होगा, पाई काउंट नहीं होगा। तो ये बॉन्ड पेयर एक यहां पे हो गया, ये बचा एक लोन पेयर, एक बचा बेटा लोन पेयर, चार और एक पांच, पांच बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो यहां पे पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, क्लियर बच्चे पॉइंट ये। तो दो मेथड आपके पास, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। अब इस पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन क्या होगा, आपको क्वेश्चन आ गया, सपोज कीजिए विच ऑफ फॉलोइंग इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, विच ऑफ फॉलोइंग इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इनमें से कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये हमें निकालना है। एग्जाम्पल दिया है XeF6, सेकेंड दिया आपको बच्चे SF6, सी ऑप्शन दिया आपको XeO4 और डी ऑप्शन दिया आपको NH4, आपको ले लीजिए हमें दिया है PCl5। ये चार एग्जाम्पल है, आपको बताना कौन सा इनमें से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो आप डायरेक्ट ही देख सकते हो जीनोन की वैलेंस सेल में कितने, 8, 6 फ्लोरीन है, 6 बॉन्ड पेयर बन गए, 6 बॉन्ड पेयर और एक क्या रह गया लोन पेयर। तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है नहीं, तो क्या ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। एस सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 6 के 6 फ्लोरीन बॉन्ड पेयर बनाएगा, तो 6 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई भी नहीं रहेगा, 0 लोन पेयर, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आ गई बेटा sp3d2। अब XE पे आता हूं मैं, जीनोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एक सिग्मा, ये सिग्मा, 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 पाई को हम काउंट नहीं करेंगे, जहां जहां पे पाई उसको काउंट नहीं करना। तो चार बॉन्ड पेयर बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चे, चार बॉन्ड पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगी, sp3। PCl5 में फॉस्फोरस की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 5 की 5 क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर, तो 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d। आपका आंसर है सी, आंसर क्या होगा बच्चे, सी, क्लियर पॉइंट। तो आप हाइब्रिडाइजेशन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन मेथड निकालना। अब इस पे क्वेश्चन और दे देते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना देते हैं इसको, कि विच ऑफ फॉलोइंग आर आइसो स्ट्रक्चरल। भाई आइसो स्ट्रक्चरल बताना आपने, आइसो स्ट्रक्चरल ये बताना है। इसके लिए बेटा एक तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, सेम। सेकंड, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बेटा ये भी क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, तभी कोई मॉलिक्यूल क्या बनेगा, आइसो स्ट्रक्चरल होगा। फॉर एग्जांपल मुझे ऑप्शन दिया है A, B, C एंड D, पूछा गया इनमें से बताइए कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है, ठीक है, पूछा गया कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है इनमें से, जैसे अमोनिया और वाटर लिया गया, H2O, CH4 लिया गया, फिर हमें CH4, BF3 दिया गया, और BF3 और NO3 नेगेटिव दिया गया, NO3 नेगेटिव दिया गया। तो मेथड में आपको बता चुका हूं, इसमें आप निकालेंगे तो क्या आएंगे, 3 बॉन्ड पेयर आएगा बेटा, एक लोन पेयर, यहां पे आएंगे 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। आप देख सकते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम नहीं है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम नहीं है, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल होगा ही नहीं। यहां पे H2O में आप निकालेंगे 2 बॉन्ड पेयर निकलेंगे, जब निकालेंगे तो 2 लोन पेयर निकलेंगे, राइट, मेथड में आपको बता चुका हूं। यहां पे 4 बॉन्ड पेयर निकलेंगे, 0 लोन पेयर, ये भी नहीं है क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन देखो सेम है, यहां पे स्टीरिक फैक्टर क्या है, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3।
यहाँ पे स्टीयरिंग फैक्टर क्या है, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, राइट। हाइब्रिडाइजेशन सेम आने से कुछ नहीं होगा बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम होने चाहिए बच्चे, ठीक है। इस पे आइए, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम नहीं है, ये भी आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर है बेटा और यहाँ पे क्या है, 0 लोन पेयर है। अब जब यहाँ पे निकालेंगे आप, यहाँ पे बनेंगे 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर बनने वाले हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम है, तो दिस विल बी आइसो स्ट्रक्चरल, राइट बेटा। तो इस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कोई आइसो स्ट्रक्चरल है या नहीं है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट बच्चे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए हमें पूछा गया बताइए आई थ्री नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो एक तो मेथड सिंपल है, आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 × 3 = 21, एक इसने गेन किया, राइट बच्चे, तो कितना है 22 / 8, मेथड आपने बताया मैंने आपको, मेथड क्लियर है ऑलरेडी, शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी आपको, तो क्या होगा 8 × 2 = 16, रिमाइंडर कितना रहा, रिमाइंडर 6, 6 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि ये लेस देन 8 है, तो यहां पे आया 3, तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनेगी, आयोडीन ये लोन पेयर है बेटा, यहां पे लोन पेयर है और यहां पे लोन पेयर है, ज्योमेट्री रहेगी लीनियर, ज्योमेट्री कैसी रहेगी बच्चे, लीनियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आइसो स्ट्रक्चरल ये भी हमने डिस्कस किया कि कैसे होते हैं, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आज आप यहीं तक करेंगे, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।